अपन चलाते हैं कॉफ़ी और बनाते हैं ब्रू वाली कॉफ़ी। तो ये अपना हो गया पानी, दिस स्मेल्स सो गुड। ये चलेगी हमारी कॉफ़ी, तो ऐसा और पानी डाल देते हैं। ठीक है, ये होते रहेगा अब शेक 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 शेक। इसको रखते हैं यहाँ पर गर्म होने के लिए, इसको रखते हैं वापस और मैं एक बार आपको और बाहर दिखा देता हूँ नज़ारे कैसे हैं। सो देखो नज़ारे, ये नज़ारे हैं और ये मेरी सूजी है। तो चलो हम निकल रहे हैं आगे। गाइस देखो, अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो ना तो आप ना टाइम बचा सकते हो, होटल में खाना ना खा के वहां से बाहर निकल के खाना खाओ। आप गाड़ी में खाना खाओ आराम से, क्योंकि जाम लगा होता है मस्त। हे गाइस व्हाट्स अप, तो अभी सीन ये है कि अपन बद्रीनाथ पहुंचने वाले हैं और बद्रीनाथ इज सम 15 किलोमीटर लेफ्ट। गोविंद घाट हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और यहाँ पर दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, तो फिर से कट गया है। माना जाना इज लाइक अगेन अ टास्क, वहां पर जाके ट्रैक मारना इज अगेन डिफिकल्ट बिकॉज ना तो ड्रोन उड़ा पाएंगे और ना ही हमने ज्यादा फोन निकाल पाएंगे, क्योंकि इट्स रेनिंग और इट्स रेनिंग रेनिंग लाइक अच्छा खासा। स्टिल रेनिंग एंड वी हैव रीच्ड बद्रीनाथ, सो दैट्स द व्यू। यू कैन सी क्लाउड्स ऑल ओवर द हिल्स एंड इट्स ऑल्सो रेनिंग। लास्ट टाइम की तरफ फिर से बद्रीनाथ में बारिश और अभी प्लान ये है कि हम बद्रीनाथ करके विल गो टुवर्ड्स माना और देखते हैं क्या सीन रहता है। सो फाइनली वी आर एट बद्रीनाथ, यू कैन सी द व्यू अराउंड, इट्स ऑल क्लाउडी। रास्ते में बहुत सारा रोड ब्लॉक था, ऑलमोस्ट हर दो टर्न के बाद रोड ब्लॉक हो रखा था और कंटिन्यूस जेसीबी लगी हुई थी जो इसको क्लियर कर रही थी हर पाँच पाँच सात सात मिनट में। और ये देख सकते हो आप कोरोना के चक्कर में, तो ये बना रखा है कोरोना के लिए। ये तो हमारा पोपट हो गया, वो बता रहे हैं कि 2:30 बजे रहे 3 बजे मंदिर खुलेगा। पूछते भैया कितने बजे खुलता है मंदिर? 3 बजे खुलेगा। और शाम को कितने बजे खुला रहता है? और बंद कितने बजे होता है? 1 बजे 12 बजे। अच्छा 12 से 3 बंद रहता है। सो प्रॉब्लम ये हो गया कि माणा विलेज बोला सामने जो कि कर रखा है इन लोगों ने बंद क्योंकि कोविड, मरवाली कोविड के चक्कर में। बाकी ये रहा माणा का रूट, नदी बहुत भयंकर बह रही है। अगर देखते हैं कल वैली ऑफ फ्लावर्स का क्या सीन रहता है और अगर वैली ऑफ फ्लावर्स खोला तो फिर अपन जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। तो अब मिलेंगे हम वैली ऑफ फ्लावर्स एंड दिस इज माना फॉर यू। सो गाइस सेम लोकेशन एंड सेम प्रॉब्लम, फिर से हुई है लैंडस्लाइड, वहाँ से पूरा मलबा आया, यहाँ की हो चुकी है रोड गायब। और अब देखो अब है सीन की गोविंद घाट जाना हो गया मुश्किल। लेट मी शो यू दिस
ये देखो ये हो चुका है पूरा ख़त्म, और अब सीन है कि ये कह रहे हैं कि ये खुलेगा कल दोपहर तक, तो लेट्स गो बैक एंड लेट्स वेट। चलो सो गाइस वी आर फाइनली बैक टू बद्रीनाथ, माय कप ऑफ कॉफी ये रही अंदर कॉफी, और ये गाड़ी खड़ी हुई है जो आई है अपने गुड़गांव से, एंड ये मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। वेल स्टे फॉर टुनाइट, दिस इज होटल देवलोक, अभी दिखाते हैं चल के अंदर जहाँ बन रहा है अपना खाना। तो ये देखो वन ऑफ अ काइंड अपना नो कॉन्टैक्ट ट्रिप, ये रहा सारा खाना पीने का सामान मसाला से लेके विम बार तक, और ये बन रहा है खाना ठीक है, और कॉफ़ी रेडी है तो भैया इलेक्ट्रिक केटल चाहिए। चलो फिर मिलते हैं आगे, सी या बाय, गुड मॉर्निंग गाइस। सो दैट्स द नीलकंठ पर्वत, यू कैन सी एंड इट्स लाइक यू लकी इनफ टू सी दिस बिकॉज इट्स टू क्लाउडी हियर, एंड yesterday it was visible at around 4:30 AM, but right now it's visible, completely visible, and you can see that it's already incredible. Yeah, now so beautiful. चलो सिया, तो अब सेट है ना, तो गुड मॉर्निंग अगेन, आज है हमारा डे थ्री, अरे यार डे थ्री क्यों बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी क्या सीन है कि यार अभी हम फिर निकल रहे हैं टुवर्ड्स रामगढ़, और वी आर जस्ट होपिंग कि इस बार अपने को रास्ता क्लियर मिल जाए और हम क्रॉस कर जाएं, क्योंकि अभी यहाँ पर फिर से धूप आ गई है एंड इट्स टू अर्ली नाउ, अभी 9 बज रहा है, कल हम लोगों ने अराउंड 1:30 के आसपास हमने पहुंचे थे रामगढ़, तो बारिश वारिश शुरू हो गई थी, बट हमारा जो प्लान था गली ऑफ फ्लावर्स का, चौपटा तुंगनाथ का, वो हमारा कहीं ना कहीं बहुत मेस्ड अप हो रखा था इस लैंडस्लाइड के चक्कर में। तो अभी हम फिर निकल रहे हैं और रामगढ़ होपफुली हम लोग अभी 1-1.5 घंटे पहुँच जाएंगे, एंड लेट्स होप कि इस बार हमको रास्ता खुला मिल जाए, सीधे सीधे क्रॉस कर जाए। और ये हालत हो रखी है रामगढ़ की, और 2 JCBs लगी हुई हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए एक दूसरे के पास, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि जो बीच वाला स्ट्रेच है यही सबसे ज़्यादा गंदा रहता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा बुरी हालत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मलबा गिरा हुआ है। इट्स माय डिसीजन कैपुचिनो एक्शन मेकिंग एंड दिस इज सो गाइज नेक्स्ट इज आवर्स नंबर टू क्रॉस द स्ट्रेच, बोलेरो सामने जा रही है, सामने पुलिस वाले ने बोला आपको एक बार में गाड़ी भगानी है और यहाँ से हम गाड़ी भगा देंगे। इसी पैच ने 2 दिन से रास्ता ब्लॉक कर रखा था और हम इस पैच को क्रॉस कर रहे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमको 2 दिन वहाँ पे हम स्टक तो रहे, बट नीलकंठ के भी वो व्यू भी दिखी है हमको, और चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिलहाल हमने क्रॉस कर लिया स्ट्रेच एंड हम जा रहे हैं कटिया, ओवर एंड आउट। तो यार दिस इज द व्यू टुवर्ड्स वैली ऑफ फ्लावर, वो देखो नीचे रोड आ रही है, जिग जुई जुई और जुई, और फिर ये आएगी जुई, और फिर ये यहाँ से जा रही है जुई, ये है मेरी सूजी खड़ी हुई और आगे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। अगर हम अपनी सूजी लेके पहुँच के जहाँ तक गाड़ी जाती है तो लाइक मज़े आ जाएगा यार। चलो देखो ये व्यू कितना मस्त है, और फिर मिलते हैं आगे। Hey guys, what's up? तो अब अपन लोग चल दिए वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक के लिए, सूजी खड़ी हमारे पीछे, उल्ला विलेज पे आ गए हम लोग, और यहाँ से हम चल रहे हैं आगे आगे टुवर्ड्स वैली ऑफ द फ्लावर्स। अब सीन ये है कि जो अभी तक बोला गया था कि 5-6 किलोमीटर ट्रैक होता है, तो पता चला 9 किलोमीटर का होता है, धूप भी आ गई है और फट रही है अभी 1 किलोमीटर भी नहीं चले, तो चलो मिलते हैं आगे।